हेलो एवरीवन। तो आईसीआईसीआई ने अपना आईपीओ एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर दिया है। काफ़ी सिंपल हो गया है। पहले सारे डिटेल्स भरनी पड़ती थी, अब कुछ नहीं करना है। आप आईपीओ के लिए केवल 30 सेकंड के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। आईसीआईसीआई से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल में एक्सप्लोर करिए, आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। ठीक है, आईसीआईसीआई ने अपना आईपीओ का एप्लीकेशन चेंज किया है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी गूगल क्रोम में लॉगिन करिए और डेस्कटॉप साइट पे जाइए और क्लिक करना है आपको आईपीओ पर। आईपीओ पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर सीएमएस इन्फो सिस्टम का आईपीओ अभी ओपन है। एक अच्छा आईपीओ है, कंपनी प्रॉफिट में है और इसका प्रॉफिट 3 साल से बढ़ता ही गया है। और इसमें फ़िलहाल अभी 15% का प्रीमियम दिखा रहा है, मतलब लिस्टिंग गेन आपको 15% तक मिल सकता है। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे हम इसमें। डायरेक्ट आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखिए बिड आता है, एक क्वांटिटी लगाना है, दो क्वांटिटी लगाना है, मतलब एक लॉट दो लॉट लॉट में चलता है। तो 69 शेयर्स का इसमें लॉट है जिसकी कट ऑफ प्राइस है 216 रुपये, मतलब 69 शेयर्स आपको अलॉट होंगे और जो उसकी प्राइस रहेगी वो 216 रुपये है और वैल्यू है 14,904 रुपये। आप डायरेक्ट यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो दो लॉट हो जाएंगे जिसमें 138 शेयर आपको मिलेंगे और आपका जो पैसा है 29,808 रुपये आपको लगेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक लॉट के लिए अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे हम, 14,904 रुपये लगेंगे हमारे। दो चीज़ें हैं, या तो एक आपकी रजिस्टर्ड यूपीआई रहती है, एक अदर यूपीआई। ठीक है, यूपीआई उसी को लिंक करना है जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक है, किसी और बैंक से वो नहीं लेगा पैसे, जो आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है बैंक आईसीआईसी में उसी से वो पैसे कट करेगा। और आपके पास यूपीआई होना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं है तो यूपीआई के लिए रजिस्टर्ड कर लीजिए। मेरा यूपीआई रजिस्टर्ड है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा, रजिस्टर्ड यूपीआई। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और सबमिट करूँगा। प्रोसीड, ये मेरा आईपीओ के लिए अप्लाई हो गया। अब मेरे यूपीआई में रिक्वेस्ट आएगी जिसके लिए मेरे पास 24 घंटे का समय है। 24 घंटे के अंदर कभी भी ये जो है लिंक आ सकती है मेरे पास यूपीआई में पेमेंट की। तो वो 5 मिनट में भी आ सकती है, 1 घंटे में भी आ सकती है और हो सकता है कल तक आए। ठीक है, और यूपीआई से आपको इसका पेमेंट कर देना है तो आपका फंड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो ये है एक सिंपल सा प्रोसेस आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए आईसीआईसी डायरेक्ट में। ओके, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।